व्यूवर्स, मैं सुदीप आपको अपना चैनल सुदीप होम एंड कुकिंग में स्वागत करता हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं बड़े साइज का ब्रिंजल और बड़े साइज का मिर्ची के साथ एक रेसिपी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है दो प्याज भी है और लहसुन। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्राई गर्म हो गया है और अभी हम इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल। गर्म हो गया है और देखिए धुआं उड़ रहा है। और अभी हम इसमें जीरा डाल रहे हैं, कुटा जीरा। और कटी हुई प्याज भी डाल देंगे और कुछ समय तक फ्राई करेंगे। को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिया है और इसके अंदर का बीज निकाल के उसका हम यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पर कढ़ाई पे प्याज फ्राई हो गया है, देखिए कलर चेंज हुआ है। और अभी हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे और कैप्सिकम के साथ कुछ समय तक पकाएंगे ताकि कैप्सिकम का स्वाद में आ जाए प्याज में। हम कोई मसाले भी मिलाएंगे जैसे हल्दी, जीरा, धनिया, कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा चिल्ली पाउडर। इसका एक घोल बना लेंगे पानी देके, थोड़ा सा गर्म पानी देके। कैप्सिकम के साथ प्याज अच्छा से फ्राई हो गया है, अच्छा सा एक फ्लेवर निकल रहा है सेंट। और अभी हम इसमें मसाले का घोल मिक्स करेंगे धीरे धीरे। आप चाहे तो टमाटर भी काट के दे सकते हैं। तो भी काट लेंगे। बैंगन का पीस आप जैसा चाहे वैसे आप इसे कर सकते हैं। हम लोग ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। हमने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और अभी हम कढ़ाई में थोड़ा सा नमक दे रहे हैं, नमक अपना स्वाद अनुसार दीजिएगा। इसमें बैगन मिला रहे हैं, आप चाहे तो आलू भी दे सकते हैं इसमें। और स्लो फ्लेम में हमने सिर्फ 3-4 मिनट तक पकाया और अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मिनट तक पकाने के बाद अभी हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर रहे हैं और यहाँ हमारा रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और थोड़ी देर बाद हम लोग उतार देंगे और फिर मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। तो व्यूअर्स, ये हमारा लॉन्ग ब्रिंजल और कैप्सिकम का रेसिपी बनके तैयार है। तो देखिए इसके कलर, आपने हमारा बनाने का प्रोसेस देखा है। आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए। थैंक यू व्यूअर्स।